सावन के पहले सोमवारी को लेकर शिवालयों में भक्तों की उमड़ी भीड़, लेकिन कोरोना के कारण मुख्य द्वार बंद हैं। भक्त बाहर से ही भोले शंकर का आराधना कर रहे हैं। यह दृश्य है माधवेश्वर परिसर अवस्थित महादेव मंदिर का। बरसात के कारण इसमें जल लगा हुआ है। वैसे कहा भी जाता है कि भोले शंकर को जल से काफ़ी लगाव है। वहीं भक्त बाहर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, कारण कोरोना के कारण मुख्य द्वार बंद हैं। पिछले वर्ष भी यही स्थिति बन गई थी। सावन में कोई भी मंदिर नहीं खुला, इस बार भी वही स्थिति बनी है। आप देख रहे हैं कि भक्त बाहर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्तों से हमारी बात हुई, इन्होंने कहा कि हम भोले शंकर से यही मांग किए हैं कि यह जो कोरोना महामारी है पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसे जल्द से जल्द समाप्त करें और पूर्व की तरह जो शांति व्यवस्था कायम थी पूरे विश्व में, वह शांति व्यवस्था कायम रहे। हमने भोले शंकर से यही मांगा है। भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। ले आए हैं भोला बाबा को, सावन का पहला सोमवारी है और आस्था और ये के लिए आए, लेकिन कोरोना के चलते जो है सब बंद है, सारा बंद है। तो पिछले साल भी बंद था, ये पहला सोमवारी है सावन का, इस बार भी बंद है, लेकिन भक्त लोग तो आएंगे ही जैसा भी हो परिस्थिति। आस्था है ये सारा। तो किस प्रकार से पूजा किए हैं? बाहर से ही जल चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, बेलपत्र चढ़ाए हैं, जितना भी जो भी सामग्री है देख रहे हैं कि गेट पर ही चढ़ा रहे हैं। अंदर बंद है, ताला बंद है, तो कैसे जाएंगे भीतर? तो क्या बाबा से आपने क्या मांगा है? जो अभी स्थिति है, महामारी ख़त्म हो, ये कोरोना चला जाए, सारा परिस्थिति जो है पटरी पर आ जाए, और यही सब अपने बच्चे के लिए, अपने सब पूरे समाज के लिए। क्या बोलेंगे, नाम बताएं। भगवान सब कुछ सही कर दे, कोरोना लेके चले जाए, जो स्थिति अभी बनी हुई है जिस परिस्थिति में हम लोग हैं उसको सब सही कर दे। क्या नाम हुआ आपका? रत्ना झा।